जे हुन मैं मोटी कहना ब्लॉक कर दांगी तेनू मैं फिर तू ना कौन सा पतली हो जाना मोटी ही लेना एक बादशाह ने बड़े प्यार से एक बाज पाला हुआ था। बादशाह सलामत जहाँ भी जाते उस बाज को साथ लेके जाते। एक दिन बादशाह सलामत कहीं दूर दराज इलाके जंगल में शिकार के गरज से गए। वहाँ पे जाके बादशाह सलामत को प्यास लगी। अपने सिपाहियों को कहा मेरे लिए पानी लेके आओ, लेकिन पानी कहीं से नहीं मिला। एक सिपाही की नजर पड़ी कि एक घना दरख्त है, उसमें से पानी के कतरे गिर रहे हैं। उसने आगे बादशाह सलामत को कहा तो बादशाह सलामत ने कहा कि उन कतरों को जमा करके नीचे प्याला रख के मेरे लिए पानी लाया जाए। सिपाहियों ने वैसे किया। जब बादशाह सलामत को वो प्याला पानी का पेश किया गया, जैसे ही बादशाह सलामत पीने लगे तो बाज आया, उसने पन्ने मार के पानी का प्याला गिरा दिया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने तीर और कमान निकाला और बाज को मार दिया। जब वहाँ पे दरख्त के नीचे जाके देखा गया तो उस दरख्त के ऊपर एक जहरीला नाग बैठा हुआ था। उसके मुँह से वो जहर टपक रहा था जिसे पानी समझ के लिया। बादशाह बहुत पछताया। इसी तरह आप भी जब भी कोई फैसला करते हैं गुस्से में तो पहले सोच लिया है। ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਫਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਨੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਯਾਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੂਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਣਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਮਲੇ ਬੱਠੇ ਤੇ ਖੜਾ 2013 में मैं वो हंसब शेख रशीद साहब नाल ते ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ मुझे नहीं पता कौन सा टीका लगाया मुझे इस बॉल में आयोजन मां ऐसा नहीं कि सारा बंदा बने बस मेरा जिससे पाला पड़ा उसका सच अलग है कड़क है जो मिला मुझे भी सही माफी है सब मेरे लिए दुनिया के लिए भी पैसा बंदा फैशन को चंगी नहीं चाहिए प्यारा ये पंडित तो सिंपल में क्यों है